हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज। तो आज बात करने वाले हैं एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी के बारे में, जिसमें आपको लीड रोल में जानवी कपूर और राजकुमार राव नजर आने वाले हैं। तो राजकुमार राव की अब बैक टू बैक सेकंड मूवी इस मंथ में रिलीज हुई है, जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसिज माही। इससे पहले श्रीकांत मूवी उनकी आई, वो भी सुपरहिट हो चुकी है, और अब भाई मिस्टर एंड मिसिज आई है माही। तो भाई ये भी अपना बॉक्स ऑफिस बजट तो पूरा कर ही चुकी है, और उसके ऊपर जितना भी कलेक्शन है तो यार हिट कैटेगरी में तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब डिटेल में आज इस मूवी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए फ्रेंड्स डिटेल में बात करते हैं। तो भाई एक ऐसा पर्सन दिखाया गया है माही नाम का करेक्टर, जो कि भाई बचपन से ही क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वो इंडिया टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाता। क्रिकेट तो बहुत ही बढ़िया खेलता था, लेकिन अब उसके मन में इच्छा थी यार अपना सपना पूरा करने की, लेकिन घर के प्रेशर के कारण उसे भाई अपनी दुकान पर बैठना पड़ता है, और उसके बाद उसकी शादी करवा दी जाती है एक सुंदर सुशील लड़की के साथ, और जिसका नाम भी माही है। तो भाई मिस्टर एंड मिसिज माही की अनबॉन्डेड पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो ड्रीम अब भाई जो अपना खुद पूरा नहीं कर पाया, वो ड्रीम अपनी वाइफ के थ्रू पूरा करवाना चाहता है, और उसकी वाइफ भी अच्छा खासा क्रिकेट खेल लेती है जब उसे पता लगता है, तो भाई उसके ड्रीम को चार चांद लग जाते हैं। अब भाई क्या उसकी वाइफ इंडियन टीम में सिलेक्ट हो पाएगी, क्या उसका नाम रोशन कर पाएगी, तो भाई यही सारा ड्रामा आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। लेकिन यार जो एक्सपेक्टेशंस हम सोचकर इस मूवी को देखने के लिए गए थे, तो वो एक्सपेक्टेशंस पर मूवी खरी नहीं उतर पाती है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स ड्रामा कहकर यार मूवी को बेच रहे हैं, तो इतना स्पोर्ट्स वाली फील नहीं आती इस मूवी में। आपको भाई ड्रामा ज्यादा दिखाया जाता है, यहाँ पर स्पोर्ट्स बहुत ही कम दिखाया जाता है, और जब स्पोर्ट्स दिखाया जाता है तो वह आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, एज कम्पेयर टू जो भी हम फील करते हैं यार जब हम स्पोर्ट्स मूवी देखते हैं तो हमें फीलिंग आती है ना, तो वो वाली फीलिंग आपको लास्ट में ही फील होगी, ना कि स्टार्टिंग में। तो वहां पर आपको ड्रामा ज्यादा दिखाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर मूवी थोड़ी सी लैग करती है। बाकी इसके सॉन्ग म्यूजिक बहुत ही बढ़िया दिखाया गया है, स्टोरी टेलिंग में यहीं पर मैं बोलूंगा थोड़ी सी कमी रह गई है, बाकी स्क्रीन प्ले भी थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। तो इसीलिए यार इस मूवी को रेटिंग्स देना चाहूंगा 5 में से 3 स्टार्स रेटिंग। तो भाई 3 स्टार्स रेटिंग तो दे दी। अब मूवी के कलेक्शंस के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था 40 करोड़ का, और मूवी ऑलमोस्ट 51 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है बॉक्स ऑफिस पर, तो हिट तो हो ही चुकी है राजकुमार राव और जानवी कपूर की एक्टिंग के बेस पर। तो भाई दोनों बहुत ही बढ़िया एक्टर है, एक्टिंग पर भाई कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ स्टोरी टेलिंग की बात है, स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी नहीं दिखाई गई जिसका जो कहकर यार मूवी को बेचा गया था, तो इसीलिए इस मूवी को रेटिंग्स दी है 5 में से 3 स्टार रेटिंग। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।